नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पान सिंह और आप देख रहे हैं आओसीखे चैनल। फ्रेंड्स, आओसीखे चैनल में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में आप घंटे वाले बटन को ज़रूर दबा दें। फ्रेंड्स, घंटे वाले बटन से दबाने से आपको ये होगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। जो भी वीडियो अपलोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आधार कार्ड को एक नए तरीके से आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ सबसे हटकर और बहुत ही जल्दी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से चलते हैं मोबाइल में और सीख लेते हैं किस प्रकार से जल्दी आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे मोबाइल से। तो चलिए चलते हैं मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने मोबाइल में। तो चलिए सीधे हम गूगल क्रोमो को ओपन करेंगे। गूगल क्रोमो को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डिजी लॉकर। ओके, डिजी लॉकर लिखेंगे फ्रेंड्स, तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने लिंक आ जाएगा। तो लिंक पर हम जैसे ही क्लिक कर देंगे, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिजी लॉकर का लिंक डला हुआ है, वहाँ से भी क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ दोस्तों, सबसे फर्स्ट पहली बार आएंगे तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जिस पर OTP आएगा, और OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने साइन अप पहले से करके रखा हुआ है, मेरा अकाउंट इसमें बना हुआ है, तो आप पहले अकाउंट ज़रूर बना लें। तो चलिए सीधे हम फिर सबसे पहले हम साइन इन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं साइन इन करूँगा। साइन इन करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर कुछ नहीं करना है, सीधा आधार नंबर आपको डालना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका आधार नंबर डालना है। तो चलिए हम आधार नंबर डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आधार नंबर डाल लिया हुआ है, तो यहाँ से हम वेरीफाई कर देंगे। फ्रेंड्स, वेरीफाई कर दिया, हमारा जो नंबर रजिस्टर है आधार कार्ड से, उस पर हमारा एक OTP आएगा। तो OTP जैसे ही आएगा तो हम इसमें OTP डालेंगे, वन टाइम पासवर्ड होता है जो कि, तो मैंने यहाँ से जनरेट कर दिया है OTP। तो ये हमारा OTP आ चुका है 155935। ओके फ्रेंड्स, 155935, तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं 155935, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, और यहाँ से हम वेरीफाई OTP कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा डिजी लॉकर में हम जाके सीधे लॉगिन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थ्री डॉट्स बने हुए, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा इशू डॉक्यूमेंट। तो इशू डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो जैसे ही हमारा इंटरफेस ओपन होगा तो ऊपर लिखा हुआ है आधार कार्ड। तो जी हाँ, हमारे सामने दो फाइल हैं, एक PDF, एक सेव। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर MP डिस्ट्रिक्ट की सर्टिफिकेट भी डाउनलोड किया था, तो वो भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए, हम आधार कार्ड लिखा है, PDF फाइल लिखा है, तो जिस पे हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारे आधार कार्ड की PDF फाइल आ जाएगी। ये आधार कार्ड की PDF फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। तो चलिए हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने दिख रहा है ये आधार कार्ड पूरा फुल साइज़ का हमारा डाउनलोड हो चुका है, जो कि कुछ मैंने ब्लर करके रखा हुआ ताकि हमारी पर्सनल डिटेल लीक ना हो, तो इसको मैंने कुछ ब्लर करके रखा हुआ है। आप इस प्रकार से आधार कार्ड अपने मोबाइल से एक नए तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा एक तरीका है, इस प्रकार से आप आधार कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम। आपको केवल अब साइन अप करना है, आधार कार्ड नंबर डालना है और तुरंत वेरीफाई करके आपको सीधी PDF फाइल पे डाउनलोड कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आप अपना कमेंट्स छोड़ दें। तो बस दोस्तों, मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉच। गुड बाय।